हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। भाई गर्मी आ गई है और इस तपती गर्मी में हमारी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, चाहे वो स्किन की हो या हेल्थ से रिलेटेड। मेरा साथ देंगे डॉक्टर बिस्वरूप, जो आपको उन बीमारियों से बचने के लिए उपाय बताएंगे जो कि गर्मी के कारण होता है, जैसे लू लगना, स्किन की प्रॉब्लम या ऐसी ही और भी बीमारियाँ। जैसे सीजन चेंज होता है, हमको अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है, डाइट चेंज करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको भी हमें वेदर के हिसाब से सूट करना पड़ता है। इस गर्म मौसम में हम डिहाइड्रेट तो होते ही हैं, साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये मौसम अपने साथ लेकर आता है, अगर हम अपना पूरा ध्यान ना रखें तो। ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमको फिजिकली ड्रेन तो करता ही है, पर बहुत सारी परेशानियां जैसे कि स्किन इचिंग, खुजली, रैशेज, बुखार, डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजनिंग, ये तो बहुत ही आम बात है इन गर्मियों में। अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ये गर्मियां हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो बहुत छोटे छोटे से प्रिकॉशन हैं जो अगर आप ले लेंगे तो आपको गर्मियों में परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर परेशानी हो जाए तो हम फिर डॉक्टर बिस्वरूप से बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर जरूर कर देना, जिससे कि हम सब इस गर्मियों को एंजॉय करें, ना कि बीमार पड़े। सबसे पहले तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी खाना है फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, अच्छे से रेफ्रिजरेट होना चाहिए अगर हम रख रहे हैं तो, क्योंकि गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। एक ही बार में बहुत सारा खाना नहीं खाना है, आपको 3-4 मील्स में अपना दिन का खाना पूरा करना है। बहुत ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हीट जनरेट करता है, इसे डाइजेस्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसी फल और सब्जियां अपने खाने में इंक्लूड करिए जिसमें फाइबर हो और पानी की मात्रा जिसमें अधिक हो, जैसे कि तरबूज खा सकते हैं आप, टमाटर आप खाइए, ऑरेंजेस आप खाइए, ये सारी चीजें आपको गर्मी में मदद करेंगी कूल रहने के लिए। बाहर का खाना जितना हो सके कम कर दीजिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण है तला भुना कैसा भी जो हम बाहर खा लेते हैं ना, वो हमें कई तरह के स्टमक इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर रेस्टोरेंट वालों ने आपको सड़ा गला खाना खिला दिया है तो। दूसरी चीज, आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि हमें बहुत गर्मी में पसीना आता है तो हमारे शरीर का जो पानी है, हाइड्रेशन है, वो निकल जाता है। इसलिए हमें फिर से पानी पीना पड़ेगा अच्छे से। थोड़ा अल्कोहल बेवरेजेस, फिजी जो ड्रिंक्स होते हैं, कॉफी होती है, इसे आपको थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं और इससे सिर दर्द, फीवर, ये सारी समस्या भी हो सकती है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को भी ये कम करता है। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही कड़ी धूप में बाहर नहीं जाना है। जितना हो सके आप अपना काम सुबह निपटाइए या शाम को निपटाइए, बिल्कुल भी कड़कती हुई धूप में मत बाहर निकलिए। जितना हो सके अवॉइड करिए, अगर हो सकता है तो घर में ही रहिए। अर्ली मॉर्निंग 11 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद बाहर के सारे काम आप कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे से अपने हाइजीन को मेंटेन करना है। आपको साफ कपड़े पहनना चाहिए, रेगुलरली नहाना चाहिए। जब भी आपको लगे कि पसीना हो गया है या गर्मी बहुत लग रही है तो आप थोड़ा ठंडे पानी से शावर ले लीजिए। इससे आप फ्रेशनेस भी फील करेंगे और सारे जो बैक्टीरियाज आपके ऊपर आ गए हैं वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। थोड़ा आप एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं कि गर्मी है तो एक्सरसाइज कैसे करें, वॉक पे कैसे जाएं। थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। आप एक्सरसाइज सुबह जल्दी उठ के कर सकते हो या फिर घर पे सिंपल एक्सरसाइज, योगा वगैरह आप करिए, पर अपने आप को एक्टिव रखिए। बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी आईज पर, आंखों के लिए, क्योंकि सनलाइट में यूवी रेज होती है जो बहुत ही हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है हमारे आंखों की रोशनी के लिए। इसलिए आप जब भी बाहर जाएं सनग्लासेस बिल्कुल पहन के जाइए, बहुत जरूरी है। गर्मियों में सबसे ज्यादा ध्यान ये भी देना चाहिए कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं। कॉटन और लिनन जो होता है, नेचुरल होता है, ये सबसे बेहतर होता है। आपने सुना होगा कि जो ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, जबकि व्हाइट कलर ऐसा नहीं करता है, इनफैक्ट वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए लाइट कलर के कपड़े गर्मियों के लिए सबसे अच्छे हैं। टाइट कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, थोड़े से लूज कपड़े पहनिए, जिससे कि आप कंफर्टेबल भी रहें और कपड़ों की वजह से आपके स्किन में कोई रैशेज या कोई प्रॉब्लम ना आए। गर्मियों में स्किन केयर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप बाहर जाएंगे आप कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाकर ही जाएंगे। जब भी आपको लगे कि बहुत पसीना हो गया है
या चिपचिप लगता है कभी हमारी स्किन, तो आप साफ पानी से अपने फेस को धो लेंगे। आप एक कैप लगा के जा सकते हो या फिर एक फोल्डेबल छाता लेके जा सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्ट सनलाइट से बच सको। सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा। आपको चाहे स्किन रैशेस हो, चाहे आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही हो स्किन में, आप ये इंग्रेडिएंट यूज करिए। गर्मियों में ये बेस्ट है। गर्मियों में सिर दर्द होना, स्किन रैशेस होना, सनबर्न होना, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसमें सीवियर बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि पीलिया हो सकता है, आपको हीट स्ट्रोक, लू लग सकती है, घमोरियां हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए वो हम सुनते हैं डॉक्टर विश्वरूप जी से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये पूरी गर्मी आपकी हंसते खेलते एंजॉय करते हुए निकलेगी। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लें अच्छी तरह से, आप ठीक हैं या बीमार पड़े, लेकिन हॉस्पिटल जाके कोई सलूशन मिलने लगा, ठीक है। तो जो गर्मियों की बीमारी है वो सिर्फ दो कारणों से है, उन दो कारणों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। एक तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस और दूसरा डिहाइड्रेशन। ये दोनों चीजों का जवाब बड़ा सिंपल है। दोनों चीजों में ये कि डिहाइड्रेशन के लिए आपको हाइड्रेशन करना है पानी पीना। आजकल तो पानी में भी मिलावट है, वो भी प्योर नहीं आ रहा, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन बैलेंस के लिए आपको फलों का सेवन करना है, खासतौर पर ऐसे फल जो विटामिन सी जिसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ विटामिन सी की जरूरत है, लेकिन अगर विटामिन सी ज्यादा है तो बाकी मिनरल भी एक प्रोपोर्शन एरिया में अमाउंट में होता ही है। आप फल खा रहे हैं तो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं बॉडी को, मिनरल विटामिन, और आप मिनरल वाटर पी रहे हैं। पानी जब जब केला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, तो आप पानी पी रहे हैं। एक्चुअली आप देखेंगे आपकी प्यास नहीं रहेगी, तो आपको चिंता ही करने की जरूरत नहीं है कि ये गर्मी कितनी आ गई। गर्मी आने दीजिए, गर्मी कितना भी आए आपका बॉडी अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेगा। तो आप अपने पास रखिए दवाई उसकी। उसकी दवाई क्या है? नींबू है, जिसका सेवन जरूर करना है, जो नॉर्मली हम नहीं करते। कि आपने पानी लिया एक ग्लास, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया अच्छी तरह से, कुछ नहीं मिलाया नमक चीनी, और पी लिया। तो जब भी आपको लगे इस तरह का, तो नींबू आप रखिए, सस्ते में आता है, छोटे जगह में आ जाता है। लगे या दिन में आप नियम ही बना लीजिए, दिन में दोपहर को एक बार एक निचोड़ लिया, या फिर एक संतरा रखिए, दो संतरा रखिए, वो दिन में एक दो बार खा लिया बिसाइड बाकी डाइट जो है, राइट। या फिर तीन चार टमाटर खा लिया ऐसे बातचीत करते हुए, दो चार टमाटर वो दवाई है एक्चुअली, राइट। तो चार टमाटर खाइए या दो संतरे खाइए या एक या दो नींबू निचोड़ लीजिए। ये अपने लाइफस्टाइल में इस गर्मी के मौसम में डाल ही लीजिए कि ये तो मुझे करना ही करना है हर पल। और ये दवाई की तरह जेब में बैग में रखिए, आपके आसपास भी किसी को फ्लू लग गया इमीडिएटली उसको बिठाया और आप ठंडे पानी में, बहुत ठंडा नहीं, ठंडे पानी में आपने नींबू निचोड़ कर दिया और एकदम से नहीं, धीरे धीरे उसने पी लिया तो बात ही खत्म। फूड पॉइजनिंग हो जाए तो खाना पीना बंद कर देना चाहिए। तो होता क्या है कि तब लूज मोशन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, स्टमक एक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से ये इंडिकेशन है कि फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। बॉडी क्या कर रहा है? सिस्टम को क्लीन कर रहा है, जो पॉइजन है बॉडी में उसको फेंक रहा है, वोमिटिंग के रास्ते से फेंक रहा है, लूज मोशन के रास्ते से फेंक रहा है। पेट में जो दर्द हो रहा है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि इम्यूनिटी लड़ाई कर रही है, तो यानी कि आपका काम बॉडी कर रही है। तो बॉडी को आपको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करेंगे? जब आप खूब सारा पानी पीने लगेंगे तो वो फ्लश आउट करने में बॉडी को आसानी होगी। और याद रखिए, जब लूज मोशन होता है या वोमिटिंग होती है तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, यानी कि बॉडी से पानी की मात्रा कम होती जाती है। तो उसी स्पीड से बॉडी को पानी देना है। जब लूज मोशन होता है तो मिनरल भी बॉडी से चले जाने लगते हैं, तो उसी मात्रा से मिनरल देना है। लेकिन खाना पीना तो बंद है, तो कोकोनट वाटर पीजिए। जितनी बार लूज मोशन के लिए जाएंगे टॉयलेट में, मान लो उतनी बार आप नारियल पानी पियेंगे। कितना? छोटा कप, छोटा कप, करीब 200 ml पी लिया। दिन भर में 10 बार जा रहे हैं लूज मोशन, कोई दिक्कत नहीं है। लूज मोशन कोई बीमारी तो है नहीं, लूज मोशन तो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो 10 कप आपने कोकोनट वाटर पी लिया, जितना बॉडी ने लूज मोशन लूज किया मिनरल्स एंड वाटर, उतना आपने रिप्लेनिश कर दिया। तो बस इतना ही करना, एक दिन की बात है। देखिए, ये घमोरियां वगैरह, स्किन के इन्फेक्शन, ये क्या है कि बॉडी में जब पानी का बैलेंस, मिनरल का बैलेंस कम हो जाता, बॉडी फ्लश आउट नहीं कर पाती टॉक्सिन को, राइट। किडनी ठीक से काम नहीं करती है, यूरिनेशन ठीक से होगा नहीं, वो बॉडी क्या करती है, टॉक्सिन को बाहर निकलने का एक और रास्ता निकालती है, थर्ड किडनी। तो अगर तो आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो, बैलेंस में ना हो, मिनरल्स कम हो, तो फिर स्किन की रैशेस पड़ती हैं। अदरवाइज गर्मी में स्किन की रैशेस नहीं पड़ सकती। जो मैंने डाइट बताया, जो मैंने आपको प्रिवेंशन बताया वो करिए, तो आपको घमोरियां ये सारी चीजें नहीं हो सकती।